हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भिक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, कल एक न्यूज़ दिखा जिसको मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे लगा कि ये फेक है, रियल नहीं है। लेकिन फिर मुझे आज वही न्यूज़ दोबारा दिख गया तो मुझे लगा कि दोबारा इस पे चर्चा करना ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हो सकता है कुछ अदर यूट्यूबर्स इस न्यूज़ को शेयर करके आपके मन में कुछ गलत फहमियाँ पाल दें जिससे आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि आपको मालूम है कि आजकल कितने फेक न्यूज़ वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया तो अलग ही लेवल पे है, लेकिन यहाँ पे प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी पीछे नहीं रह गए हैं। ये न्यूज़ फ्रेंड्स अमर उजाला का है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि रेलवे रिक्रूटमेंट 2021, रेलवे में जल्द होंगी 40,000 पदों पर भर्ती। यहाँ से जानिए कंप्लीट डिटेल्स। ये कल का न्यूज़ है फ्रेंड्स, दोपहर का। नीचे सार में लिखा, रेलवे ग्रुप डी के 40,000 से अधिक पदों पर निकलने वाली यह भर्ती, 10वीं पास अभ्यर्थी भी कर सकते हैं आवेदन। तो क्या आपको लगता है, क्या रेलवे में बहुत जल्द एक और बड़ी भर्ती आने वाली है? जबकि इसी रेलवे में 3 साल पुरानी भर्तियां अभी कंप्लीट नहीं हो पाई हैं, 2 साल पुरानी भर्ती का रिटर्न एग्ज़ाम नहीं हो पाए हैं, तो कैसे हम किसी नई भर्ती की उम्मीद कर ले, हम यही नहीं समझ पा रहे हैं। इसीलिए फ्रेंड्स मुझे ये फेक लग रहा है, फिर भी मैं पूरा इस न्यूज़ को आपके सामने शेयर करूँगा, पूरा रखूँगा, दिखाऊँगा इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, क्या इसमें कहना है, कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, सब कुछ यहाँ पे जो भी है मेंशन मैं आपको बताऊँगा। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपसे यही कहूँगा, इन सब बातों पर विश्वास ना करें। आपके जो पुराने एग्जाम्स पेंडिंग पड़े हुए हैं आप उन्हीं का प्रिपरेशन करते रहे, क्योंकि ऐसे न्यूज़ बार बार आते रहते हैं। सोशल मीडिया का तो लेवल अलग चल ही रहा है और ये लोग भी बार बार न्यूज़ में कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, ठीक है। इन पर भी विश्वास मुझे नहीं रह गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे में 2021, रेलवे में जल्द होंगी 40,000 पदों पर भर्ती। यहाँ से जानिए कंप्लीट डिटेल्स। सार, रेलवे में ग्रुप डी के 40,000 से अधिक पदों पर निकलने वाली है भर्ती, 10वीं पास अभ्यर्थी भी कर सकते हैं आवेदन, ठीक है। इसके आगे देखते क्या लिखा हुआ है, विस्तार में दिया हुआ है, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल रेलवे जल्द ही ग्रुप डी के 40,000 से अधिक पदों पर बहाली के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करने वाला है। इन पदों के लिए नोटिफिकेशन जल्द ही जारी किया जा सकता है। जल्द ही मीन्स कब? 2 दिन में, 2 महीना में, 2 साल में, कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखा नहीं है। एक बार नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अभ्यर्थी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए नोटिफिकेशन देख सकते हैं तथा पूरी भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। वो तो सारी इन्फॉर्मेशन वहीं मिलती है। यहाँ पूरा डिटेल भी दिया हो गया फ्रेंड्स, पदों का डिटेल्स दिया है, देख लेते हैं क्या क्या कैसे हैं। तो देखिए 40,721 पदों पर होगी भर्ती। इनको इतना एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिल गया फ्रेंड्स कि 40,721 पदों पर नई भर्ती होने भी वाली है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक RRB ट्रैक मेंटेनर समेत करीब 40,721 पदों पर बहाली निकाल सकता है। इन पदों पर बहाली ऑनलाइन परीक्षा, फिजिकल टेस्ट तथा मेडिकल टेस्ट के आधार पर होगा। इन परीक्षाओं को पास कर चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को देश भर में रेलवे की विभिन्न लोकेशन पर नियुक्त किया जाएगा। आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानकारी RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। सही है, देख लेते डिटेल्स में फिर से क्या दिया हुआ है, आवेदन करने के लिए ज़रूरी योग्यताएं। हालांकि इन पदों पर आवेदन करने के लिए ज़रूरी योग्यताओं की जानकारी तो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही हो सकती है, लेकिन पिछली भर्ती प्रक्रियाओं के आधार पर बात करें तो इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों के पास 10वीं और देखिए के पास डबल लिखा गया है, अभ्यर्थियों के पास 10वीं और ITI का संबंधित ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन पदों पर 18 से 33 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं तथा आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को उम्र सीमा में छूट भी मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए 10वीं प्लस ITI कहा गया है, लेकिन अभी तक जितनी ग्रुप डी की भर्तियाँ हुई हैं उसमें केवल 10वीं ही माना गया है, ठीक है। आगे कुछ लिखा हुआ पुरानी भर्ती के बारे में, 2019 में ग्रुप डी के 1,00,000 से अधिक पदों के लिए होनी है परीक्षा। रेलवे ने 2019 में ग्रुप डी के 1,00,000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली थी जिसके लिए अभी परीक्षा होनी बाकी है। कोरोना महामारी की वजह से इस परीक्षा में काफ़ी विलंब हुआ है और अब कोरोना के घटते मामलों को देखते हुए यह उम्मीद लगाई जा रही है कि इन पदों पर जल्द ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। ग्रुप डी की इस भर्ती में 1,25,00,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और यह देश की सबसे बड़ी भर्ती मानी जा रही है। जबकि आपको मालूम है इस बार इतना नहीं, इस बार 1,15,00,000 फॉर्म पड़े हुए हैं। ये 1,25,00,000 जो दिखाया जा रहा है वो NTPC का है, ठीक है। तो ऐसे ये मीडिया वाले फेक न्यूज़ फैलाते रहते हैं। मुझे इस न्यूज़ पर ज़रा सा विश्वास नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन मुझे लगा आपसे शेयर करके इसका क्लेरिफिकेशन देना चाहिए कि ये बिल्कुल सच नहीं है, इस पर विश्वास ना करें। इससे पहले भी कई न्यूज़ वायरल हो चुके हैं, 2019 में भी, 2020 में भी, 2021 में भी यही हो रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।